हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेनम मूवी के बारे में कुछ फैक्ट्स। वैसे इस वीडियो का सेकंड पार्ट है और इसके फर्स्ट पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहे तो वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एडी ब्रॉक जेल में किसी का इंटरव्यू लेने जाता है और उस आदमी का नाम होता है कैलेटस कैसिडी। वैसे आदमी वही है जिसे कि हम कार्नेज के नाम से भी जानते हैं, जो कि वेनम के सबसे बड़े विलन्स में से एक है और वो वेनम से भी ज़्यादा पावरफुल है। और पहले हमें वेनम 1 मूवी में कार्नेज को ही मेन विलन दिखाया जाने वाला था, लेकिन बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया और कार्नेज को वेनम 2 के लिए बचा लिया गया। और अब वेनम 2 मूवी में हमें कार्नेज मेन विलन के रूप में दिखने वाला है। इस मूवी के एक सीन में हम देखते हैं कि वेनम का सिम्बियोट एक डॉग के अंदर चला जाता है। वैसे ये रेफरेंस है कॉमिक्स का, जहाँ पे कॉमिक्स में वेनम का सिम्बियोट कुछ इसी तरह एक इवान नाम के डॉग के अंदर चला गया था। आप अभी स्क्रीन पे जिनको देख रहे हैं, इनका नाम है इमिलो रिवेरा और ये एक अमेरिकन एक्टर हैं। और इससे पहले इन्होंने स्पाइडरमैन 3 में एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया था और वेनम मूवी में इन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड का रोल प्ले किया। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो इमिलो रिवेरा एक ऐसे एक्टर बन चुके हैं जो कि हमें स्पाइडरमैन 3 मूवी में दिखाई दिए, जिसमें कि वेनम भी था, और उसके बाद वो हमें वेनम मूवी में दिखाई दिए। यानी कि वो एक अकेले ऐसे एक्टर है जो कि दोनों ही उस मूवी में थे जिसमें वेनम भी था। 2017 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था लाइफ, और इस मूवी में काफ़ी सारे सीन ऐसे थे जिससे लोगों को ये लगा कि इस मूवी की स्टोरी वेनम मूवी की स्टोरी से कनेक्टेड है, क्योंकि इस मूवी में हमें जो एलियन दिखाया गया है उसकी पावर्स और एबिलिटीज़ काफ़ी हद तक वेनम जैसी है। ऊपर से लाइफ मूवी और वेनम मूवी दोनों ही सोनी कंपनी के अंडर आती है, इसलिए लोगों को ये लगा कि इन दोनों ही मूवी की स्टोरी आपस में कनेक्टेड है। लेकिन जब वेनम मूवी आई तब लोगों को पता चल गया कि इन दोनों ही मूवी की स्टोरी अलग अलग है। इस मूवी के एक सीन में हम देखते हैं कि वेनम एनी वाइंग के शरीर में चला जाता है और बन जाता है शी वेनम। वैसे रेफरेंस है कॉमिक्स का, जहाँ कॉमिक्स में कुछ इसी तरीके से वेनम एनी वाइंग के शरीर में चला जाता है और बन जाता है शी वेनम। वेनम मूवी के डायरेक्टर रूबन फ्लेशर कैलिफोर्निया के स्पेस एक्स के लॉन्च फैसिलिटी में गए थे इस बात की इंस्पिरेशन लेने के लिए कि आखिर वेनम मूवी में उस एंड वाले फाइट सीन को किस तरीके से दिखाना चाहिए, क्योंकि वेनम मूवी में हमने देखा था कि वेनम मूवी का एंड वाला फाइट सीन भी किसी लॉन्च फैसिलिटी में ही था। हम सभी ने वेनम मूवी तो देखी है, लेकिन आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि वेनम मूवी को पहले 2018 में नहीं बल्कि बहुत टाइम पहले ही बनाया जाने वाला था। जब स्पाइडरमैन 3 मूवी आई थी तब उसमें हमें सबसे पहली बार वेनम दिखाया गया, तो सोनी ने ये डिसाइड किया था कि अब वो वेनम की एक सोलो मूवी लाएंगे। लेकिन स्पाइडरमैन 3 ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आई और इसलिए स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी को बंद कर दिया गया और वेनम मूवी भी नहीं बन पाई। और फिर इसके बाद आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन की सीरीज, जिसमें सोनी ने डिसाइड किया था कि अब वो वेनम की एक सोलो मूवी बनाएंगे। लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आई और द अमेजिंग स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजी भी बंद हो गई। और उसके बाद सोनी और मार्वल की डील हो गई जिसमें स्पाइडरमैन चला गया एमसीयू में और उसके बाद जाके वेनम मूवी बनाई गई, जो कि रिलीज हुई 2018 में। इस मूवी के डायरेक्टर रूबन फ्लेशर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि पहले इस मूवी में एक सीन होने वाला था जिसमें हमें वेनम का होम प्लेनेट दिखाया जाने वाला था, क्योंकि हमने कॉमिक्स में देखा था कि वेनम का अपना एक होम प्लेनेट है जिसमें वेनम जैसे बहुत सारे सिम्बियोट्स हैं। और इस मूवी में सीन होने वाला था लेकिन बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया। पहले हमें इस मूवी में स्पाइडरमैन भी दिखाया जाने वाला था, जो स्पाइडरमैन कोई और नहीं बल्कि एमसीयू का टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन था। लेकिन उस मूवी में हमें स्पाइडरमैन के रूप में नहीं बल्कि पीटर पार्कर के रूप में दिखता, जहाँ पे पीटर पार्कर और एडी ब्रॉक के बीच में कुछ बातचीत होती और यहाँ तक कि सीन को शूट भी कर लिया गया था। लेकिन एंड में इस सीन को डिलीट कर दिया गया क्योंकि केविन फैगी ने कहा था कि वो अभी के लिए स्पाइडरमैन को यानी कि पीटर पार्कर को सोनी के यूनिवर्स में नहीं दिखाना चाहते और उसे मार्वल के यूनिवर्स में ही रहने दे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।